हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है सेकेंड डे नानजिंग में। मैं बस उठी और इवान को थोड़ा बहुत खिलाया। ओडिन पहले चला गया था ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसको भूख लग रही थी, उसको ऑफिस जाना था, यहाँ पे काम से जाना था, और मैं और इवान सो रहे थे। तो बस ये देखो, ओडिन है जो स्वीट पोटेटोज लेके आ गया, एक अंडा लेके आया है, चिप्स तो है ही मेरे पास। तो बस हम लोग यही सब खाने वाले हैं अभी, और हम बाहर जाने वाले हैं गाइस। बाहर जाएंगे, देखते हैं क्या है आसपास। इतने सारे मॉल्स हैं, पता नहीं क्या क्या एरियाज हैं। मेरा जहाँ पे मन करेगा मैं वहाँ चली जाऊंगी। इवान, गेट डाउन इवानो। इवान इज डेंजरस, व्हाट आर यू डूइंग, कम डाउन। यस, गुड बॉय इवान, गुड बॉय। व्हाट इज दिस, लेट्स गो आउट इवान, we'll go out, we'll have some adventures. चलो देखते हैं क्या है बाहर। Ivan, do you like water? We'll see water. Okay? Do you like water? Yes. Yes. Okay. Do you want to see fire truck? Fire truck. Fire truck. Yes. Fire truck. We are going. We are going to see it. Okay? जब भी हम going बोलते हैं Ivan दरवाजे के पास पहुंच जाता है। Yes. मेरा इस बार एक्स्ट्रा कैमरा चेक, ये कल गिर गया था, टूटते टूटते बचा है, काफी स्क्रैच आ गए, गड्ढे पड़ गए इस पे। ये मेरी पावर बैंक है, ये भी लेके घूमना पड़ता है, कभी भी बैटरी ओवर हो जाए, नहीं तो कैमरा की, फोन की, जो भी डिवाइसेस हैं हमारे पास। ऐसा लगता है कि चाइना में कभी ठंड का मौसम खत्म ही नहीं होता है, तो कहीं पे भी बाहर जाने से पहले इवान को इतने सारे लेयर्स कपड़े पहनाने पड़ते हैं और मुझे खुद भी पहनने पड़ते हैं। हमारा लिटरली दिन का आधे से एक घंटा कपड़े लादने में ही जाता है। अभी इवान को देखो, इतने इजीली कपड़े पहनवा रहा है। जब ये छोटा था तो इतने मुश्किल से कपड़े पहनवाता था, यानी इसको एक एक कपड़ा पहनाने के लिए इसको कार्टून दिखाना पड़ता था, हाथ में कुछ पकड़ाना पड़ता था, इससे बात करनी पड़ती थी, और अभी ये चुपचाप लेट जाता है। तो मुझे लगता है इवान बहुत जल्दी समझदार हो गया। मुझे लिटरली नहीं लगता था कि ऐसा दिन कभी आएगा कि मैं इतने आराम से इवान को रख पाऊंगी, क्योंकि शुरू में ये बहुत ही ज्यादा चिल्लाने वाला और रोने वाला बच्चा था, और अभी ये एकदम चुप हो गया है, शांत हो गया है, बाहर भी आराम से रहता है, हम खाते हैं तो भी आराम से बैठ जाता है। तो आई एम सो हैप्पी अबाउट। अभी हमारा पीने वाला पानी खत्म हो गया, तो मैंने मंगवाया है, होपफुली एक रोबोट लेके आएगा। इसकी पानी की बोतल लेना भी बहुत जरूरी है, इसके बिना इरिटेट हो जाता है। Ivan just can't wait to go out. Okay, रोबोट जी आ गए हैं, दरवाजा खोल रही हूँ, उन्होंने मुझे कॉल कर दिया ऑटोमेटिकली। बाय बाय। Talking so softly. Hi, so cute. ओडिन का जस्ट कॉल आया और उसने कहा कि उसका काम खत्म नहीं हुआ है, तो हमको एक और दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन हमने ये होटल एक ही दिन के लिए बुक किया था, तो वो कोई और होटल बुक करेगा, हम किसी और एरिया में जाएंगे। तो मैं अभी इवान को एनीवेज लेके जा रही हूँ, मैंने पूरी रूम की सफाई पैकिंग वगैरह कर दी है, उसको बस आके चेकआउट करना पड़ेगा। इट्स सो ट्रिकी टू ओपन डोर्स व्हाइल हैंडलिंग अ बेबी स्ट्रोलर रियली। ओप्स Ivan, guys, look at this cute सी केक शॉप, पेस्ट्री की शॉप है और चाइनीज स्टाइल की पेस्ट्रीज है यहाँ पे, बाउज पेस्ट्री, ऐसे टाइप की आपको मिल जाएगी जिसमें ऐसी पेस्ट्रीज होगी जो आपने कभी देखी नहीं होगी पहले, नॉट वेरी वेस्टर्न पेस्ट्रीज। यहाँ पे भी देखो बाइसाइकिल्स खड़ी हुई है गाइस, लेकिन अलग टाइप की ग्रीन है ये, कुछ टर्कोइज ग्रीन टाइप की है। चलो Ivan, लेट्स गो। ये रहा हमारा स्ट्रीट जहाँ पे हमारा होटल है, और पेड़ों में अभी भी पत्ते नहीं है गाइस, और पता है एकदम हमारे होटल के सामने, एकदम ही सामने मेट्रो का सबवे है। मेरे बाल ऐसे पफी पफी हो रहे हैं, बट आई लाइक इट। तो मेरे बाल पफी होते हैं तो मुझे लगता है मेरे चेहरे पे सूट करता है। ये किसी लोकल चाइनीज कंपनी के कपड़े लग रहे हैं, जैकेट्स, ठंडी वाले कपड़े। मेरे जूतों पे कल कॉफी गिर गई थी गाइस, कार में, यानी आउट ऑफ ऑल थिंग्स कॉफी गिरनी थी। तो गाइस, आई हैव टू चूज एक ये मॉल है, थोड़ी छोटी है शायद, और एक ये बड़ी वाली मॉल है यहाँ पे जिसमें हम कल गए थे। आई डोंट नो वेयर टू गो। चलो एक चक्कर यहाँ पे काट लेते हैं, ओडिन विल बी बैक इन 50 मिनट्स। तो मुझे बोल रहा था कि ओडिन वॉज लाइक कि हाँ आसपास ही घूमना, ज़्यादा दूर मत जाना, क्योंकि वो वापस आएगा तो हमको चेकआउट करना है, फिर हम दूसरे होटल में जाने वाले हैं और वहाँ पे कोई नई जगह देखने वाले हैं। लेट्स सी गाइस, आई डोंट इवन नो इफ दिस इज अ मॉल और नॉट, आई थिंक इट इज़ अ मॉल। एंट्री यहाँ से लग रही है एल्जेब्रेस्ट कॉफ़ी,
ये कौन सी नई ब्रांड है भाई, रोज एक नई ब्रांड देखने को मिलती है, राइट इवान? यू वॉन्ट अ न्यू ब्रांड ऑफ कॉफी? आई नो यू डोंट केयर अबाउट कॉफी। तो गाइस पहले मुझे लग रहा था ये मॉल नहीं है, बट दिस इज अ मॉल। दिस इज इन फैक्ट इनडीड अ वेरी नाइस मॉल। छोटी है बट कम नहीं है सामने वाली से। लेट्स सी, मैं आपको थोड़ी विंडो शॉपिंग कराती हूँ आज, थोड़े प्राइसेस वगैरह बताती हूँ, राइट इवान? आर यू एक्साइटेड इवान? यस, ही इज वेरी एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? यस। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? ये कोई वेंडिंग मशीन टाइप की है, बट इसमें से टॉयज टाइप के कुछ निकलते हैं, या फिगरीन्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे फिगर्स खिलौनों के। मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज अप। इवान आर यू एक्साइटेड? गाइस देखो, गिफ्ट आइटम्स। इवान लाइक्स इट, इवान इज इंटरेस्टेड। देखो गाइस, ये बिल्ली वाले कुछ क्यूट क्यूट से टॉयज है, कितने क्यूट हैं। वाओ, क्रिस्टल्स में रहने वाली बिल्लियाँ, ब्लैक कलर की, वेरी लकी। और यहाँ पे देखो छोटे छोटे बेबीज़ की दुकान, छोटे छोटे बेबीज़ रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। यस, यू लाइक इट इवान? कैट, ही ओनली केयर्स अबाउट कैट। ये रही इवान की कैट्स। इवान, दीज कैट्स आर नॉट रियल इवान, दे आर नॉट रियल। गाइस ये सारे टॉयज हैं, सारे के सारे टॉयज हैं, प्रिंसेस वाले टॉयज, फ्रूटी गर्ल, आई फील लाइक एलिस इन वंडरलैंड। ये देखो हैरी पॉटर वाला, यानी क्या क्या है सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपके पास फ्री टाइम है ना, बस यहाँ पे मॉल में ही रोम करते रहो बस पूरा दिन, गाइस पूरा दिन। अगर आपके पास पैसे होना इतने कि जॉब नहीं करनी पड़े, तो बस यहाँ मॉल में आओ और टहलो बस। वी आर गोइंग इवान, वी आर गोइंग। नाइस क्लोथ्स गाइस, 5000 रुपीज का, सो क्यूट। पॉप मार्ट रोबो शॉप, यहाँ पे और अलग अलग टाइप के टॉयज जैसे हैं, टॉयज हैं सारे, ये डीसी वाले टॉयज, यानी कौन कौन से टॉयज हैं ये देखो यहाँ पे गाइस, सम मोर टॉयज, सो क्यूट गाइस। यहाँ पे क्यूबिकल दिया हुआ है, यहाँ पे आप खुद ही अपनी आई टेस्टिंग कर सकते हो, देर इज नो स्टाफ एंड ऑल। कपल्स यहाँ पे कपल्स यू नो छेड़खानी करते रहते हैं, लाइक मजाक करते रहते हैं, एक दूसरे को धक्का देंगे, हंसेंगे। यहाँ पे भी लड़कियाँ आई सिर्फ, और बहुत क्यूट हैं कपड़े, जैकेट्स वगैरह, आई लव इट। इवान वाज लाइक गेटिंग टू एक्साइटेड अबाउट द कार्स, तो मैंने इसको खुला छोड़ दिया। लेट्स चेक आउट द सेकंड फ्लोर गाइस। गाइस लग रहा है सेकंड फ्लोर पे भी सारे लड़कियों के ही कपड़े हैं, एक भी लड़कों वाली शॉप नहीं दिख रही, लड़कियों के ही है इस शॉप में भी पूरे कपड़े 100%। गोइंग टू द थर्ड फ्लोर गाइस, यहाँ पे एक लिपस्टिक का एड चल रहा है। नो ये एक्चुअली लेजर हेयर रिमूवल का एड है, ऐसे डिवाइसेस यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये में मिल जाती है। फाइनली गाइस बच्चों वाला फ्लोर आ गया, थर्ड फ्लोर इज चिल्ड्रंस फ्लोर। आई थिंक इवान विल गो क्रेजी। इवान डू यू लाइक इट? लेट्स गो गाइस। यहाँ पे ड्रैगन बॉल जी और पता नहीं कौन कौन सी मशीन्स हैं, गेम्स हैं, और इसमें आप ये सब जीत सकते हो। ये देखो इवान, दिस इज नॉट योर कार बेबी, यू डोंट लाइक दिस वन, कम। यू लाइक दिस वन? ओके। इवान की खुद की भी कार है, लेकिन खुद की कार को लेके एक्साइटेड नहीं होता घर पे कभी इतना। यप, तो मुझे लगता है यहाँ पे इतने सारी चीज़ें ये फ्री में लगाई है, यहाँ पे कोई भी चार्ट नहीं है प्राइस का, एनीवन कैन गो एंड प्ले। तो गाइस ओडिन का जस्ट कॉल आया, वो होटल पहुँचने वाला है, तो हमको जाना पड़ेगा। सॉरी इवान, सॉरी, वी हैव टू गो।
विल गो समवेयर एल्स टुडे। इवान का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, इसको बस गाड़ियों में बैठना है। इसको कार्स का इतना शौक है ना, इसको छोटे मोटे टॉयज से नहीं खेलना है, इसको बड़ी बड़ी कार्स में बैठना है बस। इवान लेट्स गो, बाबा विल बी कमिंग सून, विल गो टू अनदर मॉल। व्हिच एक्टर इज दिस गाइस, प्लीज टेल मी। व्हाट इज दिस कंफर्ट, सो फनी दिस आर्टिस्ट। तो अभी जस्ट एक एल्डरली दादी जी, उन्होंने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया दो तीन, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और गाइस मैं जा रही हूँ, ओडिन से मिलती हूँ थोड़ी देर में, आने वाला होगा, फिर देखते कहाँ जाएंगे, मे बी समवेयर इंटरेस्टिंग जस्ट लाइक दिस प्लेस। तो इवान को बिजी रखने के लिए मैंने सोचा एक ड्रिंक ले लेती हूँ, लेकिन वो मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खा पाता। पूछो नहीं होना है। दिस गाय वॉज वेरी हेल्पफुल बिकॉज आई हैड ब्रोकन चाइनीज, ही अंडरस्टूड मी एंड ऑल। और यहाँ पे इन्होंने इतने क्रिएटिवली डिज़ाइन किए हैं ये ड्रिंक्स, तो जिस कलर का पोकेमॉन है उस कलर की ड्रिंक होगी, जैसे मैंगो फ्लेवर वाला पिकाचू वाला होगा, जिगली पफ वाली स्ट्रॉबेरी ड्रिंक है पिंक कलर की। यहाँ पे ये गार्ड होटल रिसेप्शन में सो गए हैं, मुझे लगता है रात को इनकी ड्यूटी होगी और अभी नींद। यहाँ पे जो लेबर क्लास है वो कहीं पे भी बैठ सकती है, कोई ऊंच नीच नहीं है। कॉफी टाइम, अमेरिकन कॉफी। ओडिन की वजह से मुझे चाय की जगह कॉफी की आदत लगने लग गई है आजकल। इस मशीन की कॉफ़ी मुझे लिटरली स्टारबक्स की कॉफ़ी से ज़्यादा टेस्टी लगी, यानी मैं दिन में 4 कप पी जाती हूँ। तो गाइज ओडिन आ गया है, उसने चेकआउट भी कर लिया है, और अब हम नेक्स्ट कहाँ जाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी फॉर श्योर, प्लीज़ देखना, बहुत ही जल्दी मैं पोस्ट करने वाली हूँ। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने शॉर्ट वीडियोज डालती रहती हूँ, जब मेरे पास यूट्यूब के लिए टाइम नहीं होता मैं वहाँ पे फोटोज अपडेट करती हूँ, इवान के फोटोज और वीडियोज अपलोड करती हूँ। और आप सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत, लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। बाय बाय।